नागपुर हलचल में मैं ऐश्वर्या शिंदे आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। आने वाले समय में बदला हुआ नागपुर नजर आएगा। जन विकास के कार्यों में जन सहयोग मिलना आवश्यक है, इससे काम करने वालों का उत्साह बढ़ता है। नागपुर में बेस्ट क्वालिटी के विकास कार्य हो रहे हैं। पूरे देश में नागपुर की मेट्रो सबसे बेहतरीन है, इसके लिए मैं डॉक्टर दीक्षित को बधाई देता हूँ। मल्टीलेयर वायाडक्ट प्रणाली अब पूरे देश के मेट्रो प्रोजेक्ट्स में लागू कर दी गई है। इस आशय के विचार केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने व्यक्त किए। वे एयरपोर्ट साउथ मेट्रो स्टेशन के कन्वेंशन सेंटर में उपस्थितों को संबोधित कर रहे थे। गडकरी ने एशिया के सबसे लंबे महामेट्रो के मल्टीलेयर वायाडक्ट निर्माण के लिए प्रतिष्ठित एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज होने संबंधी प्रमाण पत्र डॉक्टर ब्रजेश दीक्षित को प्रदान कर सम्मानित किया। मल्टीलेयर वायाडक्ट के साथ 3 मेट्रो स्टेशन के निर्माण के लिए गडकरी ने महामेट्रो के परियोजना निदेशक महेश कुमार एवं टीमों को भी सम्मानित किया। मल्टीलेयर वायाडक्ट का निर्माण महामेट्रो तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि महामेट्रो की कार्यप्रणाली और कार्यों की गुणवत्ता देखकर मेट्रो प्रशासन को अनेक विकास कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्थानीय अरविंद इंडो पब्लिक स्कूल हेती के विद्यार्थियों ने घर पर सुरक्षित रहते हुए ऑनलाइन माध्यम से क्रिकेटर सुनील गावस्कर का जन्मदिन मनाया। सुनील गावस्कर का जन्म 10 जुलाई 1949 को मुंबई में हुआ था। उनका पूरा नाम सुनील मनोहर गावस्कर है। सनी और लिटिल मास्टर के नाम से प्रख्यात गावस्कर टीम इंडिया की कप्तानी भी कर चुके हैं। एक वर्ष में 4 बार 1000 रन बनाने का कीर्तिमान भी उनके नाम दर्ज है। 34 शतक लगाकर उन्होंने सर डॉन ब्रेडमैन के कीर्तिमान की बराबरी की थी। उनकी ऑटोबायोग्राफी सनी डेज काफी लोकप्रिय हुई। 1966 में रणजी मैचों से उन्होंने क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी। 1971 में वेस्टइंडीज टूर से उन्होंने अपने टेस्ट करियर की शानदार शुरुआत की थी। अपने 11वें टेस्ट में 1000 रन बनाकर उन्होंने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। पुस्तकें पढ़ने एवं संगीत सुनने का भी उन्हें गजब का शौक है। विश्व क्रिकेट के 10000 रन और इतने सारे शतक बनाने वाले वे पहले बल्लेबाज हैं। खेल स्तंभ लेखक और खेल समीक्षक के रूप में भी वे अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। अरविंद इंडो पब्लिक स्कूल ने पूरे हर्षोल्लास से उनका जन्मदिन मनाया एवं उनके शतायु होने की प्रार्थना ईश्वर से की। ओसवाल भवन इतवारी भाजी मंडी में फुल बॉडी चेकअप शिविर चंपा देवी सेवा समिति के सौजन्य से संपन्न हुआ, जिसमें 80 लोगों ने लाभ लिया। शिविर का उद्घाटन ओसवाल समाज के अध्यक्ष सुभाष कोटेचा ने किया। इस अवसर पर प्रमुखता से महामंत्री मनीष छलानी, पूर्व महामंत्री सुधीर बैदमुथा, उपाध्यक्ष महावीर कोटेचा, मंत्री प्रकाश डागा उपस्थित थे। अध्यक्ष कोटेचा ने कहा, फुल बॉडी चेकअप केवल 100 रुपए में करके देना हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और फुल बॉडी चेकअप करने से आगे होने वाले किसी भी बीमारी के लिए हम तैयार रह सकते हैं। कहते हैं दुर्घटना से सुरक्षा भली। इसी उसूल पर अग्रसर होते हुए शिविर में मुस्कान ललवाणी, अमित लालवाणी, शिल्पा तलरेजा, आदित्य निम्बालकर ने अपनी सेवाएं दी। कार्यक्रम को सफल बनाने में कमलेश सोनी, सागर पाटनी, अजित कोचर, सिद्धार्थ सोनी, सौरभ बाफना, अनीता सोनी, सरिता सोनी, सुनीता बाफना, स्वाति सोनी, अनिल कोटेचा आदि ने सहयोग दिया। कार्यक्रम का संचालन सुधीर बैदमुथा ने किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा तथा महिला आघाड़ी द्वारा प्रभाग 12 नाइक तालाब परिसर में 10वीं एवं 12वीं कक्षा के मेधावी छात्रों का सत्कार कार्यक्रम पूर्व पार्षद भास्कर पराते, भाजपा महिला मोर्चा मध्य नागपुर की अध्यक्ष रेखा निमजे तथा भाजपा के निष्ठावंत कार्यकर्ता प्रभाकर पराते के नेतृत्व में सावजी भोजनालय के निर्माता दिवंगत गिरमा उमरेडकर के निवास स्थान में रखा गया। इस सत्कार कार्यक्रम में विद्यार्थियों के साथ उनके माता पिता भी शामिल हुए थे। सत्कार कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व पार्षद पराते ने हर संभव मदद करने का वादा किया। रेखा निमजे ने विद्यार्थियों का सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप से दूर रहने का आह्वान किया। सोनू वर्मा ने बच्चों को एडमिशन के लिए तैयार होने वाली तकलीफ के लिए या बच्चों की किस प्रकार की शिक्षा लेना चाहिए यह मार्गदर्शन किया। ये कार्यक्रम में देवेंद्र भिसीकर, वरिष्ठ भाजपा नेता गजानन खापरे, गिरधारी निमजे, हुकुम उमरेडकर, रमेश मोहाड़ीकर, प्रवीण सफारे मुख्य रूप से उपस्थित थे। मेधावी छात्रों के इस सत्कार समारोह में 12वीं कक्षा के पलक ताराचंद बोकड़े, जाह्नवी दुर्गेश नंदनवार, हर्ष ज्ञानेश्वर बारापात्रे, आरती हुकुम उमरेडकर, प्रियंका अविनाश सोनकुसरे सभी विद्यार्थियों तथा इनके माता पिता का पुष्पगुच्छ देकर सत्कार किया गया।
हाल ही में संपन्न डिस्ट्रिक्ट लेवल कराटे टूर्नामेंट में अन्ना भाऊ साठे कराटे अकेडमी के बच्चों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। विजेता छात्रों ने इस जीत का श्रेय सिहान सुमित नागदवने, मुख्य प्रशिक्षक महेश कामले, पूनम कामले व राजू सातवे को दिया है। विजेता खिलाड़ियों में अयान कामड़ी, ओमांश कामड़ी, चैतन्य देशमुख, प्रणय कामटे, दक्ष कामटे, नमन बंसीवाल, दीक्षा पखाले, यथार्थ दफारे, मानस कुकड़े आदि का समावेश है। प्रीपैक एवं प्री लेबल वाले खाद्यान्न, दही, बटर, मिल्क आदि आवश्यक वस्तुओं पर 5% जीएसटी लगाने के जीएसटी काउंसिलिंग के हालिया फैसले की देश के व्यापारिक समुदाय, खाद्यान्न एवं एपीएमसी एसोसिएशनों ने इस निर्णय की कड़ी आलोचना की है और कहा है कि इससे व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस निर्णय से प्रभावित व्यापारिक सेक्टर के व्यापारी देश के हर राज्य में जोरदार प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं और निकट भविष्य में खाद्यान्न व्यापार के भारत बंद की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने जीएसटी काउंसिलिंग, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एवं सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों से यह निर्णय वापस लेने की अपील की है और जब तक ये निर्णय जीएसटी काउंसिलिंग में अंतिम रूप से वापस नहीं हो जाता तब तक इस निर्णय को स्थगित रखा जाए। देश भर के खाद्यान्न व्यापारी संगठनों के व्यापारी नेता इस मुद्दे पर एक संयुक्त रणनीति बनाने के लिए लगातार आपस में बातचीत कर रहे हैं। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीसी भरतिया एवं राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने काउंसिलिंग के इस निर्णय की कड़ी निंदा करते हुए इस तरह के अतार्किक निर्णय के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों को जिम्मेदार ठहराया। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर द्वारा रविवार 10 जुलाई 2022 को शाम 6:30 बजे दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र परिसर में लोकप्रिय प्रातःकालीन संगीत सभा ब्रह्मनाथ का आयोजन किया गया। आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में भोपाल, मध्य प्रदेश के सुप्रसिद्ध वायोलिन वादक महेश मलिक एवं युवा वायोलिन वादक अमित मलिक द्वारा वायोलिन जुगलबंदी की प्रस्तुति दी गई। महेश मलिक आकाशवाणी के अ श्रेणी के कलाकार है। वर्तमान में वे आकाशवाणी केंद्र भोपाल के संगीत प्रभाग में वायोलिन वादक के पद पर कार्यरत है। 1992 में मुंबई के सुर सिंगार संसद ने इन्हें सुरमणि की उपाधि से सम्मानित किया। अमित मलिक उभरते हुए युवा वायोलिन वादक है। इन्हें 2017 के आकाशवाणी की अखिल भारतीय संगीत प्रतियोगिता में वायलिन वादन में पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इन्हें भारत सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा नेशनल स्कॉलरशिप भी प्रदान की गई है। इस संगीत सभा का उद्घाटन दीपक जोशी, निदेशक टीएम सर्विसेज, डॉक्टर दीपक खिरवटकर, निदेशक दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर, सहायक निदेशक दीपक कुलकर्णी, कार्यक्रम कार्यकारी शशांक दंडे एवं श्रीकांत देसाई द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। कलाकारों का स्वागत स्मृति चिन्ह एवं शॉल देकर केंद्र निदेशक द्वारा किया गया। मर्क द्वारा अचानक बिजली दर 65 पैसे से लेकर 2.35 रुपए प्रति यूनिट बढ़ा दिए जाने का विरोध शुरू हो गया है। विदर्भ राज्य आंदोलन समिति ने चेतावनी दी है कि अगर तत्काल बढ़ाई गई दर वापस नहीं ली गई, तो सड़क पर उतर कर तीव्र आंदोलन किया जाएगा। पूर्व विदर्भ अध्यक्ष अरुण केदार, महिला आघाड़ी अध्यक्ष रंजना मामरडे और युवा आघाड़ी अध्यक्ष मुकेश मासूरकर ने कोर समिति की बैठक में कहा कि महावितरण द्वारा बिजली दर बढ़ाने का प्रस्ताव नियामक आयोग को दिया था, जिसे उसने मंजूरी दे दी। पहले ही कोरोना काल से आर्थिक संकट में और महंगाई से त्रस्त हो चुकी जनता पर बिजली कंपनी द्वारा अन्याय किया जा रहा है। ईंधन समायोजन की दर बढ़ाकर नागरिकों की जेब पर डाका डालने का प्रबंध कर लिया गया है। कोल थर्मल पावर में बिजली निर्माण में प्रति यूनिट 2.5 रुपए के लगभग ही लागत आती है, लेकिन ग्राहकों को कई तरह के भार चार्ज आदि लगाकर 10 रुपए से अधिक में बिजली दी जा रही है। पूरे देश में सबसे अधिक महंगी बिजली महाराष्ट्र में है। उस पर मर्क ने जून महीने से आगामी 5 महीने यानी अक्टूबर तक ईंधन समायोजन आकार बीज को बढ़ाकर जनता से अन्याय किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को कहा कि एक मुक्त एवं निष्पक्ष लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र और तटस्थ न्यायिक प्रणाली सबसे बड़ी आवश्यकता है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी नागपुर में वर्धा रोड पर वारंगा परिसर में महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के छात्रावास और एमनेस्टी बिल्डिंग के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी प्रशासन से अपील की कि वे अपनी जिम्मेदारी पर खरे उतरे और सरकार की मदद से विश्वविद्यालय का विस्तार कर MNLU नागपुर को विश्व के सबसे अच्छे विधि विश्वविद्यालयों में से एक बनाए।
छात्रावास का उद्घाटन विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति भूषण गवई ने किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पी नरसिम्हा, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजेंद्र कुमार मुख्य अतिथियों के रूप में उपस्थित थे। गडकरी ने कहा कि अगर अदालतों में समय सीमा में निर्णय होगी तो देश को हजारों करोड़ रुपए के नुकसान से बचाया जा सकता है। मैंने खुद न्याय में देरी के कारण लोगों को बर्बाद होते देखा है। गडकरी ने समय को सबसे बड़ी पूंजी बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में कई प्रशासनिक सुधार किए गए हैं। विदर्भ टैक्स पेयर्स एसोसिएशन के कार्यकारी निकाय सदस्य मनोज मोरियानी को अध्यक्ष श्रवण कुमार मालू एवं एनवीसीसी अध्यक्ष अश्विन मेहदिया ने सभी सदस्यों और पदाधिकारियों की मौजूदगी में सम्मानित किया। हाल ही में मोरियानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में चुने गए थे। ये नियुक्ति 2 वर्ष की अवधि के लिए हुई है। श्रवण कुमार मालू ने कहा कि ये वीटीए के लिए गर्व की बात है, क्योंकि संघ के कार्यकारी निकाय के सदस्य को ऐसी प्रतिष्ठित केंद्रीय एजेंसी की सलाहकार समिति में चुना गया है। ये अधिवक्ता मोरियानी का करदाताओं के लिए किया गया सराहनीय कार्य उनके समर्पण और कड़ी मेहनत को दर्शाता है। वीटीए सदस्य अधिवक्ता मनोज मोरियानी की सफलता की कामना तमाम पदाधिकारियों और सदस्यों ने की। सभी ने उम्मीद जताई कि उनके योगदान से निश्चित रूप से नागपुर क्षेत्र के करदाताओं को लाभ होगा। अधिवक्ता मनोज मोरियानी ने अपने संबोधन में वीटीए की पूरी टीम को उन पर इतना भरोसा जताने के लिए धन्यवाद दिया और उन्होंने करदाताओं और सीबीडीटी के हित में बोर्ड के समक्ष सभी गंभीर मुद्दों एवं विषयों को उठाने का वादा किया। इस सत्कार समारोह में जेपी शर्मा, बीटीए सचिव तेजिंदर सिंह रेणु, उपाध्यक्ष हेमंत त्रिवेदी, कोषाध्यक्ष पवन चोपड़ा उपस्थित थे। 2022-23 की अवधि के लिए समाज सेविका इंदु शर्मा लायंस क्लब नागपुर सेंटेनियल क्वीन के अध्यक्ष एवं सुरुचि अदे सचिव बनी। सदैव जरूरतमंद लोगों की सेवा में तत्पर रहने वाली इंदु शर्मा महिला आघाड़ी की पश्चिम नागपुर की अध्यक्ष भी है। कोविड-19 महामारी के दौरान किए गए अच्छे कार्य करने के लिए पूर्व महापौर दयाशंकर तिवारी ने कोविड योद्धा के रूप में उन्हें पुरस्कार से नवाजा है। कोषाध्यक्ष वनिता थट्टे बनी है। क्लब एक्सटेंशन चेयरपर्सन लायन विधि झा ने इन नियुक्तियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। 19 साल से 23 वर्ष के बीच में युवा वर्ग नौकरी पा सकेंगे। 4 वर्ष ट्रेनिंग के बाद काफी पैसा मिलेगा तथा उन्हें रहने की एवं भोजन की निःशुल्क व्यवस्था मिलेगी। जिनका चयन 4 वर्ष बाद नहीं हो पाएगा, उन्हें सरकारी, अर्ध सरकारी, प्राइवेट कंपनियों में जॉब करने के लिए प्राथमिकता से अवसर मिलेंगे। एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार कस्बा और गांव के हजारों युवा, जिनकी रगों में देश सेवा का जुनून सवार है, उन्हें नई टेक्नोलॉजी सीखने का बहुत शौक है। अग्निपथ योजना में हजारों की संख्या में लगातार भर्ती हो रही है। ये योजना देश के हित में है। संस्था के अध्यक्ष रामकृष्ण गुप्ता ने युवाओं को तथा जनता को सरकारी संपत्ति नष्ट न करने, आग न लगाने तथा हिंसा से बचने का आह्वान किया। उपरोक्त प्रस्ताव संस्था के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष रामकृष्ण गुप्ता की अध्यक्षता में सर्वसम्मति से पारित किया गया। संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारी KB पोरवाल, अजय अग्रहरी, गोपाल लधड़, विनोद फाफट, गणेश रामलाल, संगीता अग्रहरी, अंजना गुप्ता, सुनीता केसरवानी, गणेश केसरवानी ने भी विचार व्यक्त कर प्रस्ताव का समर्थन किया। इस अवसर पर प्रदीप गुप्ता, अनिल केसरवानी, शिवदयाल अग्रहरी, सूरज गुप्ता, प्रमोद गुप्ता आदि उपस्थित थे। रविवार को पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने अपने कार्यकाल में उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। ऊर्जा राज्य मंत्री के रूप में और नागपुर जिले के पालक मंत्री के रूप में कोरोना काल के दौरान पूरे नागपुर जिले को कोरोना से मुक्ति मिली। इसके बाद महाराष्ट्र में मुंबई के अलावा 1 लाख कर्मचारियों और 26 ट्रेड यूनियनों वाले ऊर्जा मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी संभालते हुए मेरे कार्यकाल में कोई आंदोलन नहीं हुआ, ये मेरे लिए संतोषजनक है। इस आशय के विचार नागपुर में पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने प्रेस क्लब में आयोजित मीट द प्रेस कार्यक्रम में व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि तीनों कंपनियों को लाभदायक स्थिति में पहुंचाना और श्रमिकों के मुद्दे को सुलझाकर उन्हें समझाने का एक अभिनव प्रयास उनके कार्यकाल में किया गया। सौर ऊर्जा और हरित ऊर्जा को प्राथमिकता देने वाली एक बड़ी ऊर्जा कंपनी के काम में तेजी आई। केंद्र सरकार द्वारा बिजली उत्पादन के लिए निर्धारित 27,000 मेगावाट के लक्ष्य को हासिल किया गया। कोरोना काल में मीटर रीडिंग नहीं ली गई, इसीलिए औसतन 3 महीने का बिल भेजा गया। इसीलिए लोगों को बढ़े हुए बिल मिल रहे थे, लेकिन बाद में स्थिति पर नियंत्रण पाया गया।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पूर्व नागपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता की सुविधाओं के लिए करोड़ों रुपए के कार्य किए गए हैं, अनेक कार्य चल रहे हैं, जो कार्य बचे हैं उन्हें तेजी से पूरा कर पूर्व नागपुर को नंबर वन बनाएंगे। वे क्षेत्र में 30 करोड़ रुपयों के विविध विकास कार्यों के भूमि पूजन समारोह में बोल रहे थे। उनके हाथों मिनी माता नगर में राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान योजना व मनपा अंतर्गत 14 करोड़ रुपयों की लागत से 30 बेड के हॉस्पिटल निर्माण सहित विविध कार्यों का भूमि पूजन किया गया। विधायक कृष्णा खोपड़े, चंद्रशेखर बावनकुले, प्रवीण दटके, मोहन मते, अनिल सोले, क्षेत्र के सभी नगर सेवक व बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे। इस दौरान 16 करोड़ रुपए के सीमेंट रोड, 60 लाख रुपए की लागत की गटर लाइन का भूमि पूजन भी किया गया। गडकरी ने कहा कि पारडी में नाग नदी के बाजू में 4 मंजिला एयर कंडीशन मार्केट बनाया जाएगा। इसमें ऊपरी मालों में 4 मल्टीप्लेक्स स्क्रीन भी होंगे। इसका नक्शा मंजूर हो गया है। खोपड़े ने अपने क्षेत्र में करोड़ों रुपए से साकार हो रहे स्मार्ट सिटी सहित अन्य विकास प्रकल्पों के लिए गडकरी का आभार माना। राज्य की नई सरकार के बहुमत परीक्षण के दौरान विपक्ष के 11 विधायक अनुपस्थित थे। इनमें से एक विजय वडेट्टीवार भी थे। विपक्ष के विधायकों की अनुपस्थिति को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही है। खुद फडणवीस ने बहुमत परीक्षण पास कर लिए जाने के बाद विधानसभा में कहा था कि जिन विधायकों ने अनुपस्थित रहकर सरकार के बहुमत के आंकड़े को बढ़ाने का काम किया, उनका वह धन्यवाद देते हैं। इसके बाद चर्चाओं का दौर और शुरू हो गया, लेकिन अनुपस्थित रहने वाले वडेट्टीवार ने कहा कि विधायकों की गैर मौजूदगी को राजनीति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। जो कुछ हुआ वो कन्फ्यूजन की वजह से हुआ। वैसे भी उनके वोटिंग के दौरान उपस्थित रहने या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुमत तो सरकार के पास पहले से ही था, इसलिए 11 विधायक मतदान के दौरान रहते भी तो सिर्फ विपक्ष की संख्या में इजाफा होता, इससे अधिक कुछ नहीं। वडेट्टीवार के मुताबिक मुंबई में शुरू भारी बारिश और ट्रैफिक की वजह से वह विधान भवन समय पर नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन 11:09 पर वो पहुंच गए थे और लॉबी में मौजूद थे, लेकिन तब तक विधान भवन के दरवाजे बंद हो चुके थे। 16 जुलाई को होने वाले जिला परिषद उपाध्यक्ष व पंचायत समितियों के उपसभापति के चुनाव को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। अब विद्यमान अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व अन्य पदाधिकारी व सभापति, उपसभापति अपनी जिम्मेदारी कार्यकाल की 2.5 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद भी पूर्ववत कामकाज संभालेंगे। ग्राम विकास मंत्रालय के उप सचिव एकनाथ गागरे ने परिपत्र जारी कर सभी संबंधित जिलाधिकारियों को 16 जुलाई को होने वाले चुनाव को स्थगित करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र जिला परिषद व पंचायत समिति अधिनियम में संबंधित नियमों में संशोधन करना सरकार के पास विचाराधीन है। इसलिए जहां पदाधिकारियों के 2.5 वर्ष के कार्यकाल समाप्त हो रहे हैं, वहां फिलहाल चुनाव स्थगित करें और विद्यमान पदाधिकारी ही अगले आदेश तक पूर्ववत कामकाज संभालेंगे। बताते चले कि नागपुर जिला परिषद में अध्यक्ष व पदाधिकारियों का कार्यकाल 17 जुलाई को समाप्त हो रहा था, अब वे अगले आदेश आने तक पद पर बने रहेंगे। पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग ने स्थानीय निकाय के जो चुनाव घोषित किए हैं, उसमें जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने में बारिश के कारण 80% मतदाता भाग ही नहीं ले सकेंगे। एन बारिश में चुनाव कराने का ये एक तरफा निर्णय है, जिसे आयोग ने सरकार से चर्चा के बिना ही लिया। उन्होंने कहा कि वे प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल के नेतृत्व में सर्वदलीय पक्ष के प्रतिनिधि आयोग को चुनाव आगे बढ़ाने का निवेदन देंगे। उन्होंने ओबीसी आरक्षण के संदर्भ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले पर हमला करते हुए कहा कि वे झूठ बोलकर जनता की दिशा भूल कर रहे हैं। महाविकास आघाड़ी सरकार ने ही ओबीसी आरक्षण का खून किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इंपेरिकल डाटा तैयार कर पेश करने को कहा था, लेकिन महाविकास आघाड़ी सरकार ने 2.5 साल तक केवल टाइम पास किया। उसके मंत्री राज्य भर में मोर्चा निकालने में व्यस्त रहे और केंद्र से डाटा की मांग करते रहे। अब हमारी सरकार बने केवल 4 दिन हुए हैं और पटोले देवेंद्र फडणवीस की गलतियां बता रहे हैं। बावनकुले ने कहा कि अब सीएम एकनाथ शिंदे और डीसीएम फडणवीस ओबीसी को आरक्षण दिलाएंगे। नागपुर जिले में कोरोना की तीव्रता का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि रविवार को कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 100 के पार हो गया है। अभी तक रोजाना 100 के आसपास मरीज मिल रहे हैं, किंतु शुक्रवार को ये आंकड़ा 100 के पार होकर 138 पर थमा था। शनिवार और रविवार को भी यही सिलसिला जारी रहा और रविवार को 128 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इनमें शहर के 87 है और ग्रामीण अंचल के 41 नए मामले सामने आए हैं। जिले के बाहर के किसी मरीज की जानकारी नहीं मिली है।
कुल मिलाकर जिले में अब कोरोना के 773 एक्टिव केसेस हो गए हैं। जिले में पिछले 24 घंटों में 104 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसी प्रकार अभी तक जिले में 5,69,000 मरीजों ने कोरोना से जंग जीती है और स्वस्थ होकर घर पहुंचे हैं। इनमें नागपुर शहर के 3,95,000 मरीज, ग्रामीण अंचलों के 1,66,000 मरीज तथा नागपुर जिले के बाहर के 8,500 मरीजों का समावेश है। नागपुर जिले में अभी तक 5,80,000 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। रविवार शाम को नागपुर शहर में धुआंधार बारिश ने मानो एक ही झटके में सब कुछ धो डाला। एक घंटे की तेज रफ्तार तूफानी बारिश ने पूरे शहर को पानी से लबालब कर दिया। शहर के सभी क्षेत्रों में सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा था। शहर के विभिन्न भागों में हुए जल जमाव की तस्वीरें प्रशासन की पोल खोलने में जरा भी कसर नहीं छोड़ती दिखाई दी। घाट रोड, नरेंद्र नगर पुल, अशोक चौक आदि क्षेत्रों में पानी जमा होने की वजह से नागरिकों और वाहन चालकों को यातायात के दौरान काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नागपुर महानगर पालिका क्षेत्र के टीकाकरण केंद्रों पर प्रतिदिन टीकाकरण किया जा रहा है, इसलिए मनपा के सभी टीकाकरण केंद्रों पर आज केवल कोविशील्ड का टीका उपलब्ध होगा। टीका दोपहर 2 बजे तक दिया जाएगा। टीकाकरण के लिए पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धतियों से किया जा सकता है। साथ ही निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण के लिए जाते समय एक पंजीकृत मोबाइल फोन और पहचान पत्र साथ में रखने की अपील की गई है। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए वीके मी न्यूज़। नमस्कार।